हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आटे और सूजी से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा खास्तेदार ठेकवा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी इस तरीके से एक बार आटे और सूजी का ठेकवा जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे और सूजी का ठेकवा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा बर्तन में 2 कटोरा आटा लेंगे। आप आटा को किसी भी कटोरा या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम उसी कटोरा से आधा से थोड़ा सा ज्यादा सूजी ऐड करेंगे। अब हम उसी कटोरा से 1 कटोरा चीनी लेंगे, जिसमें मैंने आधा चीनी को पीस लिया और आधा चीनी को वैसे रखा। अब इन दोनों को भी इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो पूरा चीनी को भी पीस के बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो ठेकवा में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जो चीनी का क्रिस्टल होता है वो वैसे ही रहता है और वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम थोड़ा सा काजू का पाउडर और थोड़ा सा ड्राई कोकोनट का पाउडर ऐड करेंगे। इससे ठेकवा में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो ड्राई कोकोनट और काजू को टुकड़ा में भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे खास्ता करने के लिए इसमें हम उसी कटोरा से आधा कटोरा घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे इस तरह से मुट्ठी में बांध के देखिए, अगर ये अच्छे से कंबाइन हो रहा है यानी कि ये अच्छे से खास्ता हो चुका है। अब हम उसी कटोरा से आधा कटोरा नॉर्मल दूध लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और इसका हमें कड़ा सा डो रेडी करना है। अगर आप इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे तो आपका जो ठेकुआ है वो खास्तेदार नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा दूध को ऐड कर लिया है। अब इसे हम इसी तरह से मसल मसल के इसका कड़ा सा डो रेडी कर लेंगे। देखिए हमें बिल्कुल इसी तरह से इसका कड़ा सा डो रेडी करना है। हमारा डो बनके रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले ठेकवा रेडी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ठेकवा सांचे के ऊपर इस तरह से घी लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से ग्रीस हो जाएगा और इसमें ठेकवा अच्छे से चिपकेगा नहीं और ठेकवा अच्छे से निकल भी जाएगा। अब हम आटे का मिक्सर का थोड़ा सा बॉल लेके हाथ में इस तरह से मुट्ठी के अंदर घुमा घुमा के इसे ओवल शेप देंगे। अब हम ठेकवा सांचे के ऊपर इसे रख के इस तरह से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ओवल शेप का हमारा ठेकवा बनके रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको एक बिना सांचे का भी बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से आटे का थोड़ा सा मिक्सर लेके मुट्ठी के अंदर इस तरह से घुमा घुमा के इसे ओवल शेप दे। अब इस तरह से पाम के नीचे से रख के प्रेस कर दे। अब इसके ऊपर हम फॉक्स से इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। देखिए ये भी डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको एक और शेप का ठेकवा बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से आटे का थोड़ा सा मिक्सर लेके इसे राउंड शेप दे और इसे ठेकवा का सांचा के ऊपर इस तरह से रख के प्रेस कर दे। देखिए ये राउंड शेप का ठेकवा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरह से सारे ठेकवे को बना के रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ठेकवा को इस तरह से बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करते जाएंगे और बाकी बचा ठेकवा को भी बनाते जाएंगे। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके ठेकवा को डाल देंगे और एक बार में जितना ऑयल में ठेकवा आटे का उतना ही डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम में दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। ठेकवा को मीडियम या हाई फ्लेम में फ्राई ना करें, नहीं तो आपका जो ठेकवा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और वो खास्तेदार भी नहीं बनेगा। देखिए हमारा जो ठेकवा है वो अच्छे से एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे हम दूसरे साइड भी लो फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और इसे टर्न करते वक्त आप इस तरह से केयरफुली इसे टर्न करें, नहीं तो ठेकवा का टूटने का डर रहता है। देखिए हमारा जो ठेकवा है वो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरे बैच के ठेकवा को भी इसी तरह से एक एक करके डाल देंगे और इसे हम उसी तरह से दोनों साइड से लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे।
देखिए हमारा ये बैच का भी ठेकवा अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से सारी ठेकवा को फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने उसी तरह से सारे ठेकवा को फ्राई कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने ठेकवा को एक बॉल में निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। इस तरह से ठेकवा बनाने से ये महीना दिन तक भी खराब नहीं होता है। अब मैं आपको एक ठेकवा को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हमारा ठेकवा कितना खास्तेदार बना है, बिल्कुल चूर चूर हो जा रहा है। आप भी इस तरीके से एक बार आटे और सूजी का ठेकवा जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरह से आटे और सूजी का ठेकवा बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे जरूर बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।